तो भाई लोग क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो भाई आज तुम्हारा भाई लेके आया है भाई एक नई वीडियो, और ये वीडियो होने वाली है भाई टॉप 3 लार्जेस्ट गेम्स इन प्ले स्टोर। और भाई अगर तुम सोच रहे होगे कि इस लिस्ट में भाई वही अपना पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे गेम्स होंगे, तो भाई ऐसे गेम्स नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। ये लिस्ट बिल्कुल नहीं है, और भाई पबजी मोबाइल से कहीं ज़्यादा है इन सब गेम्स का साइज। तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखो बिल्कुल। भाई पर्सनली मैं तुमको ये रेकमेंड करूँगा, इन तीनों में से तीनों गेम अगर तुमसे बन पाता है, इतना नेट तुम्हारे पास होता है, तो इनको ट्राई करो, क्योंकि इनका स्टोरी बहुत अच्छी है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और गेम प्ले बहुत अच्छा है। और जहाँ तक बात करूँ ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स भी बहुत अच्छा है, और सारे के सारे गेम्स बहुत रियलिस्टिक है। तो भाई बन पाता है तो भाई ज़रूर खेलना, अगर तुम एक गेमर हो, तुम्हें गेमिंग पसंद है, तो भाई फालतू तुम्हारा वेस्ट टाइम ना करते हुए लिस्ट पर बढ़ते हैं अपनी। तो भाई जो गेम हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे है भाई, उस गेम का नाम है भाई साइबर हंटर। अब तुम में से ज़्यादातर लोगों ने इस गेम का नाम सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ भाई, ये एक बैटल रॉयल गेम है, सेम जैसे हमारा पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी, गरेना, फ्री फायर ये सब गेम है, सेम ये भी वही है। और अगर बात करूँ इसके साइज़ की, तो ये है 2.04 GB का। मतलब आजकल पबजी मोबाइल का सीज़न 14 चल रहा है, तो आजकल पबजी मोबाइल का जो साइज़ है वो है 1.8 GB, तो ये उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो भाई अगर तुम्हारे पास इतना नेट आता है, तो इस गेम को तुम ज़रूर ट्राई करो। तो भाई जो गेम हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे आता है भाई, उस गेम का नाम है रिपब्लिक। अब भाई मैं जानता हूँ तुम्हें से ज़्यादातर लोगों ने इस गेम का नाम नहीं सुना होगा, तो मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली है एक फर्स्ट पर्सन हॉरर गेम है, जो पहले PS4 के लिए लॉन्च हुआ था, उसके बाद इसको एंड्रॉयड पे लॉन्च कर दिया गया। तो भाई जो भी है, ये गेम बहुत मतलब काफ़ी हॉरर है, टेरिफाइंग है, और ये इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। ये बहुत गेम रियलिस्टिक है, सबसे बड़ी बात बहुत रियलिस्टिक है, हर कोई ग्राफिक ग्राफिक देखता रहता है, लेकिन भाई पर्सनली अगर मैं बताऊँ ना, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है गेम में, वो होती है रियलिस्टिकनेस, और ये गेम उस पर खरा उतरता है। और अगर बात कर लें इसके साइज़ की, तो ये है ऑलमोस्ट 3.2 GB। अब भाई अगर तुम्हारे पास इतना नेट होता है, तो भाई कर लो इसको भी डाउनलोड, और भाई गारंटी मैं देता हूँ, इसको तुम खेलोगे, इसे पार करने में तुम्हें कम से कम 2 से 3 महीना तो पक्का लगने वाला है इस गेम को अच्छे से समझने के लिए। और गेम में बहुत सही फीचर है, तुम इसको लो ग्राफिक्स में चला सकते हो, अगर तुम्हारे फ़ोन में लैग हो रहा है तो लो ग्राफिक्स में है, मिड है, हाई अल्ट्रा ग्राफिक्स है, जो मतलब अल्ट्रा ग्राफिक्स में तो गेम इतना रियलिस्टिक होता है कि भाई ऐसा लगता है तुम किसी PS4 की गेम को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में खेल रहे हो। तो मतलब तुमको तुम्हारे मोबाइल में ऑलमोस्ट एक PS4 की गेम का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो क्या बोल रहा है। तो भाई इस गेम को भी ज़रूर ट्राई करो, और चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गेम यानी कि नंबर 1 पे। तो भाई जो गेम हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे आता है, उस गेम का नाम है लाइफ आफ्टर। अब भाई ये गेम भी तुमने नहीं सुनी होगी, तो मैं बता देता हूँ, बेसिकली ये एक सर्वाइवल गेम है। और अगर बात करें इसकी स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है, एक फिक्शनल सिटी है जहाँ पे एक वायरस फैल जाता है, जिससे पूरी एक बड़ी पॉपुलेशन मतलब म्यूटेंट जैसी हो जाती है, और फिर बचते हैं कुछ चंद भर लोग जो इस गेम में हमारे लिए प्लेएबल कैरेक्टर्स हैं, और भाई सर्वाइव करना है इसमें। तो भाई अगर इसकी साइज़ की बात करें, तो ये हैं ऑलमोस्ट लाइक 3.6 GB। मतलब भाई ये गेम अगर भाई इसको फुल इंस्टॉल कर लो तुम, तो भाई 4 GB का गेम इसको तुम मान लो, 4 GB का गेम। मतलब अगर तुम्हारे पास भाई इतना नेट है, तो तुम कर लो यार, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हें इंस्टॉलिंग करनी पड़ेगी, इसमें IDs बनानी पड़ेगी अपनी, मतलब पूरा तुम्हारा डाटा जो बनेगा उसको लगा के 4 GB होगा। और बात करें अगर इसकी गेम की ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, गेम रियलिस्टिक भी बहुत है, इसमें तुम्हें सर्वाइवल करना है, काफ़ी मतलब काफ़ी रियल लाइफ इंस्पायर्ड है ये गेम। और मतलब अगर मेरे हिसाब से पूछो, तो भाई ये बहुत अच्छा गेम है। हाँ साइज़ थोड़ा ज़्यादा है भाई, तो इसीलिए ये हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। तो भाई अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो यार इस वीडियो को लाइक करो, और भाई इस वीडियो को शेयर करो, अगर तुम्हारे गेमर दोस्त हैं तो उनको भी शेयर करो। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए हैव अ नाइस डे।